अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज डॉक्टर साहब साहब राइट आट योर सर्विस कल व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था बहुत आते हैं जिनमें से एक आया मैंने फॉरन स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने कहा इस पर वीडियो करेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ना बस म्यूकस होता है सर्दियों में कोई सोर थ्रोट नहीं है कोई फीवर नहीं है कुछ नहीं है बस बलगम है तो मुझे कुछ बता दें तो मैंने कहा फॉरन से एक मेजिकल uh, रेसिपी बता देते हैं सबसे पहले किन किन लोगों ने ये रेसिपी जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है जिनको गर्ड का प्रॉब्लम है जिनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है स्टूल जो है वो टूट टूट के आता है आ, गाल बहुत लाल रहते हैं कान बहुत लाल रहते हैं टैक्कार्डिया रहता है एंग्जाइटी रहती है वो सारे लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे हैं ब्लड थिनर्स पे हैं उन सब ने ये कावा यूज़ नहीं करना बाकी सब इस कावे को इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे और बड़े समेत Uh, जितने भी कावे के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी वो सारे के सारे एक्सपेक्टोरेंट्स हैं एक्सपेक्टोरेंट से मुराद ये है कि वो आपके जिसम से डैम्पनेस को फ्लेम को रिमूव करते हैं बलगम को आपकी बॉडी से क्लियर करते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं कावे के इंग्रीडियंट्स में आपके पास मेरे फेवरेट तुलसी के पत्ते आ जाते हैं काली मिर्च आ जाती है लौंग आ जाती है आपके पास अदरक आ जाती है इसमें आपके पास थोड़ा सा शहद आ जाता है इसमें आपके पास थोड़ी सी मलट्ठी आ जाती है अब आ, कावा बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है आपको पता ही है कावा किस तरह बनाना है उसमें आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इन सबको ऐड कर देना है शहद आपने इन में ऐड करना है कप में डालने के बाद और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके आपने लो हीट पे उसको सिमर करना है पच्चीस से तीस मिनट के वो इसमें पके अदरक आपके पास अदरक में जो मेडिसिनल सब्सटेंस मौजूद है ना जिंजर वो आपके पास बॉडी से वैसे भी सारी एंटा है वायरस बैक्टीरिया वगैरह इनको वॉश आउट करता है और सब कोल्ड फ्लू में से यूज़ किया जाता है अदरक और इसके साथ साथ ये आपके पास नौ अगर किसी को ब्लोटिंग है पेट फूला हुआ है है उसके लिए भी बेहतरीन इलाज है मलट्ठी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी मलटी बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट तो आपके पास है ही कमाल किस्म का एक्सपेक्टोरेंट है आपके पास बलगम वगैरह को साफ करेगा इसके अलावा सारी खात जो मीनोपॉज और पेरी मीनोपॉज से गुजर रही हैं जिनको पीरियड्स से पहले बहुत स्वेयर मूड स्विंग्स होते हैं मैं आपको बता दूं कि जो मलट्ठी लिकोराइस वो आपके पास एक अडेप्टोजिन भी है यानी आपकी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो इमोशनल स्ट्रेस हो मेडिकल स्ट्रेस हो ये उसको भी रिलीव करता है तो आ, आ, दिस इज़ अमेजिंग बहुत ज़बरदस्त है और जो मलट्ठी है ना आपके पास लिकोराइस वो डायरेक्ट जाके आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसल जो आपका स्ट्रेस हारमोन है ड्रीन अगलैंड से जो बन रहा होता है उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है कहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बन रहा है और एक चीज़ होती है आपके पास कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस यानी कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन निकल निकल के निकल निकल के आपके जो सेल्स हैं जिन्होंने कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को रिस्पॉन्ड करना है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो डीट हो जाते हैं उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं तो आपका स्ट्रेस सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस में चला जाता है उसकी रेगुलेशन खराब हो जाती है मलट्ठी ये चीज भी नहीं होने देती है तो मलट्ठी तो आपने जरूर डालनी ही डालनी है इसके अलावा बलगम तो वो साफ करेगी तो करेगी लॉन्ग जो है आपके पास लॉन्ग में एक बड़ा जबरदस्त कंपाउंड होता है यूजनॉल और यूजिनॉल जो है आपके पास वो बड़ा ज़बरदस्त एंटाबैक्टीरियल एंटा वायरल भी है और लौंग को अगर आप अलग से यूज़ करते हैं ना खाली लौंग के कावे को तो इसको गर्ड और अल्सर के पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं आ, आ, तुलसी और लौंग दोनों में ये यूजिनॉल होता है तुलसी की चाय भी जब मैंने वीडियो की थी बात की थी तुलसी लौंग और फेनल सीड्स अलायची की चाय मिला के अल्सर के पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अगर बलगम है तो वो यूज़ कर सकते हैं इन तीनों की बाकी इन चीज़ों की आपने यूज़ नहीं करनी है उसकी रीज़न ये कि जो यूजिनॉल है आपके स्टमक के जो म्यूकस सेल्स होते हैं जिन्होंने स्टमक की जो लाइन है उसको प्रोटेक्ट करना होता है उनको बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके अलावा आपके पास आ, आ, जो दार है दार भी इसमें डलेगी सॉरी मैं नाम मैंशन करना भूल गई थी दार क्वीन ऑफ एंटर डायबिटिक हर्ब्स हो है उसके साथ साथ एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट है बलगम वगैरह साफ़ करेगी बॉडी से यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेट तुलसी की चाय के फ़ायद पर मैं पूरी डिटेल में वीडियो कर चुकी हूँ उस सब के साथ साथ ये एक्सपेक्टोरेंट भी है तो आपने तुलसी के पत्ते ज़रूर डालने और तुलसी की चाय भी जब मैंने वीडियो की थी मैंने बताया था इसकी सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी मेरी ये है कि एंटा माइक्रोबियल है आपकी बॉडी से जो इन्फेक्शन है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो वॉश आउट करती है अदर दिन दैट मैंने जिस इंग्रीडियन की बात की थी वो है काली मिर्च अगर सुबह खाली पेट नींबू पानी के साथ मैं कुछ लेने को रिकमेंड करती हूँ जिन लोगों को अल्सर वगैरह नहीं है तो मैं काली मिर्च रिकमेंड करती हूँ काली मिर्च और नींबू का मिक्सचर अगर आप खाली भी सुबह लेते हैं ना इस कावे में तो आपने डालना ही है तो बिकॉज उसमें कैसपिसिन है वही सब्सटेंस जो आपके पास मिर्चों में होता है जो आपका मेटाबलिज़म वगैरह तेज़ करते हैं आपका मेटाबलिज़म भी बूस्ट करता है काली मिर्च आपके पास बेहतरीन किस्म का जो है वो एंटी माइक्रोबियल भी है एक्सपेक्टोरेट भी है बॉडी से सारी बलगम वगैरह जो इसको वॉश आउट कर देता है इस वजह से कोल्ड फ्लू का बेहतरीन इलाज है देखने को एक छोटी सी पेपर है इसके आप दो तीन दाने डालें और बेहतरीन है इस काबे में आप दो तीन दाने काली मिर्च के डालेंगे आप तीन से चार तुलसी के पत्ते डालेंगे बिल्कुल इतनी सी ग्रेटेड आप अदरक डालेंगे या फिर आप एक टी इसमें अदरक डाल देंगे दो स्टिक्स आप इसमें दारचीनी की डालेंगे और मिलट्ठी जो है उसकी आप दो से तीन जो है वो स्टिक्स डालेंगे और जिन लोगों को ये बलगम वगैरह का प्रॉब्लम रहता है आप इस कावे का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू करें इसके साथ आप गंदम और डेरी छोड़ दें तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से बलगम का जो प्रॉब्लम है वो, वो खत्म होना शुरू हो गया इनशाला सी ऑल अगेन विद गेट इन अदर इन्फॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़